कॉमनली आप देखें जब लोगों के पास जॉब होता है नौकरी होती है पैसा होता है तो अमूमा बहुत सारी खुशियां वो हासिल कर लेते हैं उससे तो दुनिया के एतबार से भी उन्होंने कहा कि खुश रहने के लिए ये चीज़ होना चाहिए जीडीपी पर कैपिटा अगर इस चीज़ को भी ले लें हम ये तब तक अचीव नहीं होती जब तक हम यूनाइट नहीं होते इसके दो एग्ज़ाम्पल्स मैं दूंगा एक एनशियट इंडिया का एग्ज़ाम्पल दूंगा और एक मिडिवल एज का दूंगा एनशियट इंडिया का अगर एग्ज़ाम्पल लें तो जब मोरियन एम्पायर था जिसमें इंडिया का एक बड़ा पार्ट जिसको ग्रेटर इंडिया हम कहते थे वो यूनाइट हो गया मतलब पॉलिटिकली यूनिटी इस्टैब्लिश हो गई इसका रिजल्ट क्या हुआ कि ये दुनिया की मोर देन वन थर्ड ऑफ द जीडीपी उस जमाने में इंडिया की थी याद रखी तो ये एशियन इंडिया में एक एग्जाम्पल है कि हम पॉलिटिकली जब यूनाइट हुए तो उसका बेनिफिट ये मिला कि जी इतनी बढ़ गई कि वन थर्ड ऑफ द वर्ल्ड जी जिसको हम कहते हैं वो इंडिया की जो है हो गई सेकेंड एग्जाम्पल मिडिवल इंडिया का है जब इंडिया यूनाइट हुआ उसके बाद मोरियन एम्पायर के बाद सेकेंड टाइम वो था मुगल एम्पायर का बिल्कुल लास्ट एज हम कहेंगे जिसमें विकीपीडिया के मुताबिक 1690 से लेके 1710 का जो एज था इसमें इंडिया की जीडीपी 24 परसेंट थी और ये भी वो एज थी जिस एज के अंदर इंडिया यूनाइटेड था और इंडिया जिसको कहें ग्रेटर इंडिया कम्प्लीट यूनाइटेड जिसके अंदर अफगानिस्तान है पाकिस्तान है आज का इंडिया है उसके बाद बांग्लादेश का हिस्सा है बर्मा का हिस्सा ग्रेटर इंडिया जिसको कहते हैं तो 24 फोर परसेंट ऑफ द जीडीपी जो है दुनिया की वो ये थी और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 25 फाइव परसेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इंडिया में बनता था अदर तो आप देख रहे हैं कि जीडीपी पर कैपिटा के अतबार से भी गए तो यूनिटी बेस है उसके लिए कि हम जो है उसके बाद जो है ये चीज़ को अचीव कर सकते हैं जिससे दुनिया कह रही है कि हमको खुशी हासिल होंगी अस्सलाम वालेकुम आप भी हमारे इस काम में तान करें अपनी zakat और sadaqat के जरिए डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सब आपके हकदार बने रोजाना हमारी वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें जजाकअल्लाह